हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्या हालचाल है आपके? एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन एकदम खूबसूरत वादियों में। वो साइड को आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और इधर को आधी धूप है आधी नहीं है। और आज मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये जो आज वीडियो होने वाली है ना, बहुत ख़ास होने वाली है। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इधर से आएंगे ना रेलवे स्टेशन को, जब आप रेलवे बाज़ार से इधर को आ जाएंगे बस डिपो से, तो महज ना 5 मिनट लगेंगे आपको। अगर पैदल आएंगे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे टैक्सियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं और आगे का कुछ इस तरह से नज़ारा है। तो गाइज ये देखिए, यहाँ से अगर आप आएंगे बस स्टेशन भी यहाँ पर नज़दीक है और होटल भी आपको यहाँ पर नज़दीक में मिल जाएंगे। रहने के लिए डॉर्मेट्री सिस्टम भी है और वैसे होटल भी हैं। अगर आपको सस्ता होटल चाहिए 200-500 में, वो भी मिल जाएगा। अगर महंगा होटल चाहिए, वो भी सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंजड़ बजती है, आपको थोड़ा सा गंदगी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उधर को ना थोड़ा सा स्मेलिश है और इधर को जो भी गबूर बचती है वो इधर को आ जाता है। यहीं को हटाना था पहले। और इधर को ये टिकट घर है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है ये हल्द्वानी का। काफ़ी जगह है बाहर यहाँ पर और ये टिकट घर है। जैसे शुरू से आप आएंगे तो टिकट घर आपको वहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी अंदर को। और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, बने रहे ब्लॉग में आप। तो यहाँ पर आपको टैक्सी ना आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पू भी मिल जाएगा आपको लोकल में, अगर हल्द्वानी में आपको रहना है तो। मैं अवॉइड करूँगा कि आप यहाँ से अगर पैदल ही जाइए, नज़दीक में होटल है अगर कोई हल्द्वानी में रुकना चाहता है तो। यहाँ से बस है उगरा रोडवेज के स्टेशन के, आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर बैरिकेड लगा है, यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना ये साइड से अलाउड नहीं है। आप पीछे से ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको 20 रुपया देना होगा 12 घंटे का। तो बाहर एकदम साफ़ सुथरा है यहाँ, यहाँ को आएंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन है। और ऊपर का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर हल्द्वानी लिखा हुआ है। और आगे का ना कुछ इस तरह से खूबसूरत व्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये शाम के समय का है नज़ारा, एकदम सुनसानी है यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। ज़्यादातर लोग काठगोदाम से बैठना पसंद करते हैं, हल्द्वानी से भी बैठते हैं मगर कम बैठते हैं। नीचे के लोग जो हैं हल्द्वानी से बैठेंगे तो वो आगे तक आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ से अंदर इंट्रेंस है, ये देखिए ना साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। और वहाँ से जैसा आप इधर को आएंगे तो ये यहाँ पर है, तो आपको बिना प्लेटफॉर्म टिकट के तो जाना है नहीं प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अंदर तक जा सकता हूँ। यहाँ पर शुरू में आपको ATM मिल जाएगा, आप यहां से टिकट पैसे वगैरह ले सकते हैं। और यहां आपको बैठने का ये है और ये इधर का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से है। आप देखिए मैं इसको दिखा रहा हूं, यात्री यहां पर रुके हुए हैं। खाली 2 ही प्लेटफॉर्म है यहां पर, ज़्यादा है नहीं। और ये देखिए आगे तक इतना ही है, ज़्यादा है नहीं। और इधर को आपको बैठने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वेट करना है ना तो आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वेटिंग रूम है, यहाँ पर टीवी लगी है और पंखा भी लगा हुआ है, वाशरूम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है, आप बैठ सकते हैं। और सामने एक कैंटीन है, अगर आपको कुछ लेना है खाने पीने का सामान तो वो भी ले सकते हैं आप यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये बैठक व्यवस्था है, अगर वेटिंग करना है आपको तो आप वेट कर सकते हैं। शाम के समय ना यहाँ पर आप आएंगे ना तो यहाँ पर ना काफ़ी बस्ती के बच्चे ना यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अगर आपका सामान ना ठीक तरीके से केयर नहीं किया ना तो ये ले जा सकते हैं, ये चोरी भी करते हैं यहाँ पर, जेब भी काटते हैं। तो ना आप ज़रा सावधान रहिए। यहाँ पर आपको कुल्ली वगैरह मिल जाएगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कुल्ली वगैरह सब मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म का काम चालू है, यहाँ पर रहता बजरी रखा हुआ है आप देख सकते हैं। और उधर को प्लेटफॉर्म अलग अलग भागों में बटा हुआ है और इधर को बस्ती है। तो यहाँ को आप
आप तो नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पर ना चोरी वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। अगर आपको वाशरूम वगैरह करना है तो आप अंदर वाशरूम लगे हुए हैं, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर गफूर बस्ती है, कितना गंदा एरिया है ये हल्द्वानी का सबसे गंदा एरिया मेरे को ना यही एरिया लगा, स्लम एरिया जिसको बोलते हैं ना, एकदम बस्ती, गंदी बस्ती। यहाँ पर लोग ना ये देख रहे हो आप, इस तरीके से बस्ती है। यहाँ देखो लोग खुले में शौच करते हैं, यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है इनके पास, नहाने की व्यवस्था नहीं है, खुले में यहाँ पर शौच करेंगे, गंदगी करेंगे। यहाँ पर आपको बैल वगैरह भी मिल जाएंगे, ये सब कचरा से भरा हुआ है। यहाँ पर सांड वगैरह भी है, ये देखिए अंदर को पूरा, ये लोग ना कचरा बीनते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्रिज है, ओवर ब्रिज आप देख रहे होंगे, जस्ट बगल में ही है, वैसे ही इन्होंने यहाँ से ये लॉक किया था, कितनी बार यहाँ पर ना लॉक कर दिया, फिर भी ना ये लोगों ने तोड़ दिया है। ये देखिए ऐसे ना ऐसा तोड़ देते ना ये लोग पूरे झुंड में आके, ये देखिए ये यहाँ पर से ना इन्होंने पूरा होल कर दिया अंदर से, देख रहे हो आप, पूरा मतलब तोड़ दिया है यहाँ पर, मतलब कोई भी काम हो रहा है ना तो ये रुकने नहीं देते हैं। इनके बच्चे देखे ये इस तरीके से यहाँ पर ये रहते हैं, देखो ये इस तरीके से ये देखो इसको देखो, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग यहाँ कहाँ है तुम्हारा, वो कहाँ है घर, कहाँ है तुम्हारा, बस्ती में रहता है। कितने बच्चे हो तुम, भाई बहन कितने हो, मेरी बहन है और तू भाई है। पापा क्या करते हैं, दुकान में बैठते हैं। और तू यहाँ इसे खुले में क्या कर रहा है, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाता है। ये देखिए इनके पैर देखिए, तुम पैर धोता नहीं है तुम, ये देख इसके पैर देखो तुम, पैर में कैसे लग गया ये, इनके कपड़े देखो तुम, ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, हैं ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और ये भी बच्चे हैं देखो, ये किसका भाई है, ये किसका भाई है, तू खिला रहा है इसको, ये देखे इसकी हालत देखे तुम, ये बच्चे कुछ इस तरह से रहते हैं। क्या नाम रखा है इसका, देखो तेरे चप्पल कहाँ है, हमारी भी चप्पल नहीं, बड़ी चप्पल, हाँ चप्पल तो है तेरी, इसका नहीं है चप्पल, ये गले में क्या बांध रखा है, घंटी जैसा, दिखा जरा इधर आ, तेरे गले में क्या है, ये सांप है, वो देख सांप तेरा गले में इतना बड़ा क्यों बांधा है, हाँ तो तुम लोग क्या करते हो यहाँ, बाथरूम वगैरह ये लोग खुले में करते हैं। और ये देख रहे हो यहाँ पर इनकी हालत देखो तुम, ये देखो शाम को ना यहाँ पर पूरे झुंड के साथ बैठे रहते हैं देख गफूर बस्ती के लोग। ये हल्द्वानी स्टेशन का हाल है, बाहर का हाल है, अंदर तो एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है, आपको मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पर ना यहीं पर गेट है, यहाँ पर जो ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, मैं उंगली लगा रहा हूँ, यहीं पर रेलवे स्टेशन का गेट है। यहाँ से आप ऊपर को जाएंगे, राइट टर्न लेंगे, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है तो यहीं पर आपको बस स्टेशन मिल जाएगा और होटल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएंगे। आप यहाँ उतर सकते हैं हल्द्वानी में, अगर आपको उतरना है हल्द्वानी में, अगर आपको स्टे करना है तो ये स्टेशन है और इसके थोड़े से बगल पे ही बस स्टेशन है। अगर आपको कहीं भी जाना है, बस स्टेशन सबसे नज़दीक बस स्टेशन ना आपको हल्द्वानी उतर के पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से बाहर से आ रहे हैं तो बस स्टेशन से, रोडवे से अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे नज़दीक आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। यहाँ पर उतर सकते हैं आप और यहाँ से उतर के फिर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से रहते हैं, ये देखे देखो ऐसे झुंड बना के रहते हैं, ये देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पर। ये देखो ये सब गफूर बस्ती के लोग हैं, बस्ती के हैं, उनके पास काम धाम कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं ये लोग। ये देखिए तो क्या खा रहा है भाई, क्या खा रहा है, ये क्या है, कितने रुपए का है, 10 का। अच्छा तो यहाँ पर टिक्की चाट भी है, और क्या करता है तू, ये देखिए कुछ इस तरीके से है यहाँ पर नज़ारा। ये ढोलक बेच रहे हैं और तो गाइस कुछ इस तरह से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का था, मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर उतर के बस स्टेशन कितना दूर है और किस तरीके से है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है ना वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए ताकि उसमें फुलझड़ी जलेंगे। तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहे आप मेरे चैनल में।